नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर में कोरोना महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। तहसील तालबीहट अंतर्गत कोविड-19 के कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में 28 दिसंबर को एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर को दिया गया था और भी आला अधिकारियों को इससे अवगत करा चुके हैं, जिसमें सितंबर माह में भूतपूर्व सैनिक सिक्योरिटी प्राइमरी लिमिटेड लखनऊ कंपनी के द्वारा ललितपुर जनपद में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें जनपद में कोविड-19 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 3 माह से जिला स्तर पर कार्यरत हैं और निरंतर पूर्ण मनोयोग से अपनी सेवाएं जनपद स्तर पर दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की कार्य की प्रशंसा आला अधिकारी भी कर चुके हैं, जिससे जनपद में कोविड-19 से संबंधित सभी कार्यों में कार्य करते आ रहे हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित रिपोर्टिंग के समस्त कार्यों पर कोविड-19 के ऑपरेटरों द्वारा दिन रात कार्य कराया जा रहा है, परंतु समस्त कार्यों के पूर्ण निष्पादन उपरांत भी समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को माह सितंबर से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सभी कोविड-19 अवशोषित कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। साथ ही कार्यालय आने जाने में असमर्थता हो रही है, क्योंकि कर्मचारियों के आवागमन के लिए किराया तक नहीं है, मनोबल भी कमजोर हो गया है। इसी क्रम में तालबेहर क्षेत्र के ये कर्मचारी अलग ही तरीके की हड़ताल पर चले गए हैं। ये सभी अपनी ड्यूटी करते हुए भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती। हम सभी कोविड कर्मचारी L2 में कार्यरत हैं। हम सभी इस आपदा महामारी की स्थिति में पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ पिछले 4 माह से कार्यरत हैं, जिसकी तारीफ पूरे जिला एवं मंडल पर सभी अधिकारी प्रशंसा करते हैं। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बार बार उच्च अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक तौर पर अवगत कराए जाने के बाद भी 4 माह से अब तक हमारी वेतन नहीं आई गई, जिससे हम और हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है, जिस कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है एवं इस कारण हम आप अगले 2 दिनों तक बिना कुछ कार्य करते रहेंगे, और अगर हमारी समस्या का उचित समाधान नहीं हुआ तो हम इसे आगे बढ़ाने के लिए विवश हो जाएंगे। अगर इस दौरान किसी कर्मचारी के साथ अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समस्त L2 कर्मचारी, हम सभी लोग L2 के कर्मचारी वेतन ना आने की वजह से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमने 28 दिसंबर को CMO साहब को आवेदन दिया था, जिसके दौरान अब तक हमारी 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई है। इसलिए हम सब लोग ना आज से खाना खाएंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई काम करेंगे। जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, जब तक हम कोई काम और किसी प्रकार का कोई ना L2 से खाना लेंगे ना हम खाएंगे। इसलिए आप सभी कर्मचारी अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द हमें पहुँचाएँ, अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो।